चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कच्चे अंडे में ज़्यादा प्रोटीन है या उबले हुए अंडे में कौन सा शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो चलिए, अंडा खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है यह तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे कैसे खाना चाहिए? कई लोग अंडे को कच्चा ही खा लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए। अंडों को कच्चा खाने से हमेशा बचना चाहिए। इसका प्रमुख कारण है कच्चे अंडे में मौजूद बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अंडों को पकाकर खाना ज़्यादा बेहतर है। कच्चे अंडा की तुलना में पकाया गया अंडा पाचन के लिए ज़्यादा बेहतर है। कच्चे अंडे का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। अगर आप कच्चा अंडा खा रहे हैं तो यह पकाकर खाए गए अंडे की तुलना में आपको कम फायदा देता है। कच्चे अंडे में मौजूद कुल प्रोटीन सिर्फ 51% आप शरीर में प्रोटीन ले सकते हैं, जबकि पकाकर खाने पर आपके शरीर को 91% तक प्रोटीन मिलता है। कच्चे अंडे में बायोटिन नामक खास पोषक तत्व भी नहीं पाया जाता है, इसे विटामिन एच भी कहते हैं। यह मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। तो कच्चा अंडा आप नहीं खाएं और पकाकर ही खाएं, और इसका कच्चा अंडा का साइड इफ़ेक्ट भी है, तो चलिए जान लेते हैं। कई बार कच्चा अंडा खाने से उल्टी, जी मचलाना, शरीर में दाने दाने निकल आना, सूजन आदि की समस्या होती है, जबकि पका हुआ अंडा खाने से आप इन सब से बच सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को शेयर करें।